तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड थीम के बारे में। तो जैसे गाइज जब मैं अपने MIUI 11 की अपडेट के बारे में आप लोगों को न्यूज़ दी थी, MIUI 11 लॉन्चर की जब न्यूज़ आप लोगों को बताई थी, तो उसमें दोस्तों मैंने ये वाली थीम को यूज़ की थी। और दोस्तों ये वाली थीम मुझे मोस्ट रिक्वेस्टेड थीम देखने को मिली है। आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे कि ये कौन सी थीम है, इसकी लिंक मैं आप लोग को दूँ। तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप सबको इसकी रिव्यू देने वाला हूं और मैं आप लोग को बताने वाला हूं इसे कैसे आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। तो गाइज आप लोग कोई सी भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, कोई सी भी थीम यूज कर रहे हैं, अगर आपके फोन में MIUI 10 इंस्टॉल है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं दोस्तों कि आप लोग ये वाली थीम को अपने फोन में यूज करें। तो आप लोग कोई सी भी डिफॉल्ट थीम को अगर अपने फोन में यूज करें दोस्तों, सिंपली आप लोग को जाना अपने थीम स्टोर पे और दोस्तों आप लोगों को इस थीम को अप्लाई कर लेना है। तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद अपने फोन में से अप्लाई कर लेना। और कोई भी दिक्कत दोस्तों आती है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ओनीटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर पाइए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों अप्लाई करने के बाद हम लोगों को काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा लुक देखने को मिलती है और कलरफुल आइकन देखने को मिल जाती है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर सभी जो आइकन आपको देखने को मिल रही है काफ़ी कलरफुल देखने को मिल रही है और यहाँ पे आप लोगों को जो विजेट देखने को मिल रही है, वेदर और टाइम की जो विजेट देखने को मिल रही है दोस्तों, वो हर मिनट में हम लोग को चेंज हो जाती है। जब भी यहाँ पे टाइम आपको चेंज होगी, मिनट जब भी चेंज होगी दोस्तों, तो उसकी कलर भी यहाँ पे हम लोग को चेंज होती हुई दिख जाएगी। तो अभी दोस्तों देख सकते हम लोगों को पिंक यहाँ पर देखने को मिल रही है, कुछ देर के बाद यहाँ पर हम लोग को दूसरे डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आइकन की दोस्तों बात करें तो काफ़ी अच्छे कलरफुल आइकन हम लोग को देखने को मिल जाती है। किसी भी आइकन की दोस्तों बात करें तो काफ़ी कलरफुल आइकन देखने को मिलती है। और अगर ऐप ड्रॉवर की दोस्तों बात कर लेते हैं तो ऐप ड्रॉवर के बारे में दोस्तों मैंने इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाई कि हमारे फोन में ऐप ड्रॉवर की सपोर्ट देखने को मिल गई है, MIUI 11 लॉन्चर की सपोर्ट देखने को मिल गई है। और दोस्तों जब हम लोग ऐप ड्रॉवर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को डार्क मोड देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इस डार्क मोड में हम लोगों के फोन में काफ़ी अच्छी लुक इस कलरफुल आइकन की वजह से देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर से स्टेटस बार में दोस्तों दिखा देता हूँ, तो स्टेटस बार की जो आइकन है दोस्तों वो भी काफ़ी कूल और मिनिमलिस्टिक देखने को मिलती है, जो हमारे फोन के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देती है। और दोस्तों देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारा टाइम चेंज हुआ, 12:02 हुआ, यानी जब 1 मिनट था तो वहाँ पर पिंक देखने को मिल रही थी। अब जैसे यहाँ पे मिनट चेंज हुआ, यहाँ पे हम लोग को ऑरेंज देखने को मिल रही है। दोस्तों हर मिनट में ये चेंज होता है, जैसे जैसे आपकी मिनट चेंज होगी यहाँ पे आपको कलर चेंज होती रहेगी। तो दोस्तों ये तो हो गई होम स्क्रीन की बात। और अगर दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, तो लॉक स्क्रीन में दोस्तों हम लोग को पैरेलल X3D की इफेक्ट देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग अपने फोन को ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये भी रोटेट होती हुई आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो लॉक स्क्रीन जो वॉलपेपर है दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा वॉलपेपर है, लेकिन दोस्तों काफ़ी मिनिमलिस्टिकल भी देखने को मिल जाती है। और अगर नीचे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तो नीचे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर वेदर देखने को मिल जाती है। मैं अपने कस्टम फोन को दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कस्टमाइज कर रखा है, काफ़ी छोटा कर रखा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर काफ़ी छोटी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर वेदर, आपकी लोकेशन, वेदर, टाइम, डेट और डे देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है कस्टमाइजेशन आपके लोकेशन पे भी। और ये वॉलपेपर दोस्तों बात करें तो काफ़ी कस्टमाइजेशन हम लोग इस लोकेशन में देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे टाइम चेंज हुआ, यहाँ पर हम लोग को ग्रीन विजेट देखने को मिल जाती है। सेटिंग में लेकर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो सेटिंग में काफ़ी दोस्तों हम लोग को एक अच्छी सिंपल सी वॉलपेपर देखने को मिल जाती है, जो इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देती है। दोस्तों देख सकते काफ़ी मिनिमल सा लुक है, लेकिन दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। कहीं भी जाएंगे दोस्तों तो उसी तरह की हम लोग को वॉलपेपर देखने को मिलती है, सेम वॉलपेपर देखने को मिलती है, जो इसकी लुक काफ़ी इन्हेंस कर देती है। और अगर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मैसेज में जाने के बाद, तो दोस्तों देख सकते हैं वही वॉलपेपर हम लोग को मैसेज में देखने को मिल जाती है, मैसेजिंग वाली एप्लीकेशन भी यहाँ पर कस्टमाइज हो जाएगी। डायल पर दोस्तों मैं आप लोग ओपन करके दिखा देता हूँ, तो ऊपर के हिस्से दोस्तों आप लोग को मैं ब्लर कर देता हूँ ताकि हमारा नंबर यहाँ पर शो नहीं हो। और दोस्तों कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कलरफुल कीबोर्ड देखने को मिल जाती है, जो इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देती है। और दोस्तों अगर ऐप वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, तो ऐप वर्ल्ड में जितनी भी आइकन हमें देखने को मिलती है वो भी दोस्तों काफ़ी कस्टमाइज हो जाती है, कलरफुल आइकन। तो इसकी आइकन दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद है और आपको भी ये आइकन इसकी पसंद आने वाली है अगर आप लोग इसे अपने फ़ोन में अप्लाई करेंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं कि इसे आप लोग अपने फ़ोन में अप्लाई कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे। दोस्तों ये थीम जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ, एक थर्ड पार्टी थीम है। थर्ड पार्टी थीम इसलिए है दोस्तों कि मैं अभी अपने फ़ोन में चाइना रोम को इंस्टॉल कर रहा हूँ और इससे मैंने चाइनीज थीम स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है। तो अगर आप लोग अपने फ़ोन में चाइना थीम को यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके रीजन चाइना में है, तो आप लोग इस थीम को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। थीम दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह की थीम देखने को मिलती है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखा दिया कुछ इस तरह देखने को मिलती है हमें थीम। और अगर दोस्तों आप लोग यूज़ कर रहे हैं ग्लोबल होम, तो दोस्तों मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग
MIUI थीम एडिटर या फिर थीमर ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। उसके बाद उसमें आप लोगों को क्या करना है, ब्राउज में जाना है, किसी भी थीम को, किसी भी MPZ थीम को आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अगर आप लोगों ने अपने फ़ोन में से डाउनलोड कर रखा है MPZ फाइल को, जहाँ भी सेव किए हैं, आप लोगों को उसे यहाँ से उस MPZ फाइल को सिलेक्ट करके ओके कर देना। फिनिश करने के बाद उसमें यहाँ पर उनको इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद उस ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लोग फिर अपने थीम स्टोर में जाएंगे, आपको ये वाली थीम देखने को मिल जाती है। मैं ऑलरेडी वो इस थीम को अपने फोन में यूज़ कर रहा हूँ और ये थीम दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर टैप करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप ये थीम आपके फ़ोन में अप्लाई हो जाती है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर थीम हमारी अप्लाइड हो गई है। दोस्तों हम जाएंगे अपने होम स्क्रीन पर तो ये थीम हमें कुछ इस तरह देखने को मिलती है। अगर आपको ये वाली थीम पसंद है दोस्तों तो इसकी रिव्यू मैं जल्दी लेकर आऊँगा, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को वो वाली थीम की लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना, अप्लाई कर लेना।